और हमारे सहयोगी दीपक उराव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, बजट आने वाला है झारखंड का और हर तबके को उम्मीद वित्त मंत्री से। जी बिल्कुल, आज बजट पेश किया जाएगा विधानसभा के सदन में और इससे राज्यवासियों को बड़ी उम्मीद है कि बजट इनके अनुरूप होगा। बीते जो बजट सौ करोड़ का बजट था जिसमें 10% की बढ़ोतरी इस बार की गई है और 1,11,000 करोड़ के बजट आज विधानसभा के सदन में पेश किया जाएगा ऐसा अनुमान है। और इस बजट से आम लोगों को क्या मिलेगा इसको लेकर भी लोगों में काफी लोगों का जो निगाहें हैं वो विधानसभा के बजट सत्र में है। और चूंकि आज वित्त मंत्री रामेश्वर राव बजट पेश करेंगे तो इस बार जो बजट पेश किया जाएगा इसका क्या मॉडल होगा, किस तरह से सभी तबकों का सभी लोगों का ख्याल रखा जाएगा इस पर भी खास तौर पे सबकी निगाहें हैं। और जिस तरह से बजट जो पेश होगा इसमें साफ तौर पे एक बात है कि विकास को गति देने वाला बजट होगा, साथ ही साथ कई ऐसे योजनाएं जो लंबित है उस योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए स्वरोजगार के लिए ऋण की व्यवस्था भी की जाएगी। तो इन तमाम चीजें हैं जो कि बजट जब सदन में पेश किया जाएगा तब यह स्पष्ट होगा, लेकिन यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस तरह का बजट होगा, इसका खाका इस तरह से तैयार किया गया। हम लोगों से ही बातचीत करेंगे कि क्या अपेक्षा रखते हैं बजट से और कैसा बजट होना चाहिए लोगों के नजरों से। जी बताइए, क्या अपेक्षा है आज बजट पेश किया जाएगा, क्या अपेक्षा रखते हैं और किस तरह का बजट होना चाहिए? देखिए, झारखंड का बजट है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस गठबंधन की सरकार है तो हम लोग को तो उम्मीद है कि प्रॉफिटेबल बजट होगा, झारखंड के हित में बजट होगा। और शिक्षा रोजगार जैसे जो क्षेत्र हैं जिसमें यहाँ असीम संभावनाएं हैं इन चीज़ों पर फोकस होगा, आधारभूत संरचना के निर्माण पर फोकस होगा। सबसे बड़ी चीज़ हम लोग आशा करते हैं कि रोजगार सृजन और शिक्षा, झारखंड एक शिक्षा का हब बने, एजुकेशन का हब बने, जो कि यहाँ लाखों छात्र जो प्रत्येक वर्ष दूसरे राज्यों में विशेषकर दिल्ली चाहे अन्य विश्वविद्यालयों में जाते हैं, चाहे मेडिकल की पढ़ाई हो, चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, चाहे जिस तरह का भी एजुकेशन हो, झारखंड एक एजुकेशन हब बने ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। और हम लोग को उम्मीद है कि सरकार इन उम्मीदों पर खरा उतरेगी। आपके नज़रों से क्या होना चाहिए, क्या अपेक्षा रखते हैं आज जब बजट पेश किया जाएगा? हमारे नज़रों में होना चाहिए कि झारखंड के लोगों को हर प्रकार का सुविधा मिले, यहाँ के लोग भूखा न मरे, यहाँ हर कुछ सुख साधन का व्यवस्था होते हुए भी यहाँ के जो लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उन लोगों पे बोझ ना पड़े, उन लोगों की गरीबी कैसे दूर हो इस पे विशेष फोकस होनी चाहिए। और यहाँ के जो कुछ शिक्षा नीति है या शिक्षा माफिया है उन लोगों पे अंकुश लगनी चाहिए। जो गरीब बच्चे हैं या फिर अमीर बच्चे हैं, गरीब बच्चों के लिए कम से कम यहाँ फ्री एजुकेशन होना चाहिए, चाहे वो जितना पढ़ाई कर रहे, लोकल स्थानीय लोगों के लिए। और जो यहाँ बाहरी लोग रहते हैं वो यहाँ के हैं लेकिन ठीक है वर्षों से रहते हैं, लेकिन यहाँ का जो पैसा है वो शिक्षा के नाम पे बाहर चला जो जाता है वो यही खर्च हो, यहाँ शिक्षा का हब हो। मैं इस बात से सहमत हूँ इनकी बातों से, इसलिए हमको लगता है कि ये बजट अच्छी होनी चाहिए। और ये सरकार लोकल सरकार है, स्थानीय सरकार है, तो हमको लगता है कि यहाँ के लोगों के लिए ये विशेष सोचेगी और यहाँ की जनता का सुख सुविधा पे ध्यान देगी। धन्यवाद। तौर पे शिक्षा को क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने वाली बजट होनी चाहिए, आपको क्या लगता है बजट जो आज पेश होगा किन किन सेक्टरों पे ज़्यादा जोर देने की जरूरत है? बजट होना चाहिए गरीब गुरुआ मिडिल क्लास के लिए, बजट होना चाहिए मिडिल क्लास को सुविधा हो ताकि गरीब गुरुआ का बजट हो, कहलाए गरीब गुरुआ का बजट इस बार पास हुआ है, पेश हुआ है। और शिक्षा नीति में सुधार हो, स्कूल का फीस जो ये सब बढ़ता है हर साल तो उसमें अंकुश लगे, क्योंकि गरीब मिडिल क्लास का बच्चा लोग ना के लोग ना फीस देने में थोड़ा सुविधा होता है, तो इसमें भी ध्यान देना चाहिए।
बेहतर एजुकेशन गरीब तबका को नहीं मिल पा रहा, इस पर फोकस होना चाहिए। जी बताइए, आपको नजर से क्या होना चाहिए बजट में? पूर्व के वक्ताओं ने जैसा कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बजट होना चाहिए, बिल्कुल सहमत हूँ। इसके अलावा जैसा हमने कोरोना में देखा कि झारखंड से लाखों की संख्या में यहाँ के मजदूर बाहर पलायन करते हैं, तो उनको बाहर में रोकने के लिए सरकार के द्वारा यहीं पर उनके लिए कृषि की समुचित व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था, उन्नत खेती के बारे में उनको परिचित कराना, ताकि वो बाहर नहीं जाएं, यहीं पर ही अपने, क्योंकि झारखंड यहाँ सीमांत किसानों का जो प्रदेश है, लगभग हर किसी के पास कुछ ना कुछ जमीन है, तो अगर हम उनको उचित तकनीक व्यवस्था कराएं, सिंचाई की व्यवस्था कराएं, बीज दें, तो यहीं पर वो अपने खेती करके वो आत्मनिर्भर कर सकते हैं। तो इसीलिए खेती के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में बजट का उचित प्रावधान होना चाहिए। इसी के क्षेत्र में हर बार जो बजट होता है, चाहे केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का, बजट बेहतर ही रहता है, लेकिन वह चूंकि अभी जिस तरह से अभी जो फसल किसान लगाए हुए हैं, वो अपना जो लागत है तो छोड़ दीजिए, मेहनताना भी लोगों को नहीं निकालना मुश्किल हो जा रहा है। तो वैसे में क्या लगता है कि कृषि को लेकर के सरकार के स्तर से क्या कुछ प्रयास होना चाहिए ताकि योजना का लाभ सीधे किसानों तक पहुँच सके? विगत वर्षों में हम लोगों ने सुना था कि यहाँ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, कोल्ड स्टोरेज की स्थापना होगी, लेकिन ये घोषणाओं कागज तक ही सिमट कर रह गया। अगर उनको धरातल पर लाया जाए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और कोल्ड स्टोरेज, तो किसानों को अपने उपज का उचित दाम मिलेगा। अभी जैसे टमाटर है 2 रुपये किलो, यही कुछ दिन बाद 100 रुपये किलो हो जाता, तो अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यहाँ बैठेगा तो किसानों को उचित दाम अपने उपज का मिलेगा। जाहिर सी बात है कि किसानों के लिए भी जो बजट होगा वो बेहतर बजट होगा, साथ ही साथ जो अन्य सेक्टर से जुड़े लोग हैं जिनका रोजी रोजगार कोरोना काल में प्रभावित हुआ है, तो वैसे लोगों को भी रोजगार में बढ़ावा मिल सके, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात है, तो कई तरह की बातें हैं। अब सदन में, जब विधानसभा के सदन में आज जब बजट पेश किया जाएगा, तो उसमें देखने वाली बात होगी कि किन किन सेक्टरों को किस तरह से फोकस करते हुए बजट का जो कायाकल्प है वो ढांचा तैयार किया गया है, जो कि सदन में आज पेश किया जाएगा, तो सबकी निगाहें सदन की ओर है। जी बिल्कुल, तो अब इंतजार है कि सदन की कार्यवाही शुरू होगी और जब सदन पटल पर ये बजट रखा जाएगा तो किसके लिए क्या कुछ है इसका पता चल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए और तमाम बातचीत के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।